हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी इन फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में अगन्ना सुत्ता, इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, अगन्ना सुत, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगन्ना सुत है क्या। वैसे तो मैं ये जो आपके सामने अपने नोट्स लेके आया हूँ, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा अगन्ना सुत है क्या और यूजीसी नेट में इससे किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है अगन्ना सुत। अगन्ना सुत बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण संवाद है, ये एक डायलॉग है, ठीक है। तो आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने बिल्कुल अच्छे से इसको देखना है। ये एक डायलॉग है, ठीक है, संवाद, जिसमें बुद्ध ने राजनीति व सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, ठीक है। अगन्ना सुत दिघा निकाय संग्रह का 27वां सूत्र है, ठीक है। दिघा निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये बहुत ही बड़ा एक ग्रंथ है, उसमें से मात्र एक सूत्र है, 27वां सूत्र ये, ठीक है। अग्गा का मतलब होता है उत्पत्ति तथा सुत का मतलब होता है व्याख्या या संवाद। इसका अभिप्राय हुआ उत्पत्ति से संबंधित संवाद। अगर मोटे तौर पर आप इसको देखें तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके ऊपर इन्होंने काम किया है, उत्पत्ति के ऊपर, ठीक है। इसके नाम के ही अनुरूप इसमें जीवन की उत्पत्ति, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति तथा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस सूत्र में बुद्ध द्वारा दो ब्राह्मणों भारद्वाज और वसेठा को दिए गए प्रवचन का वर्णन किया गया है, जो अपने परिवार और जाति को भिक्षु बनने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। वो एक भिक्षु बनना चाहते थे, बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या है, ब्राह्मण जाति को छोड़ दिया था, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मण बौद्ध संघ के सदस्य बनना चाहते थे, इसलिए उनकी अपनी जाति द्वारा उन्हें अपमानित किया गया। बुद्ध उनके संवाद करते हुए बताते हैं कि जाति और वंश, कास्ट एंड रेस की तुलना नैतिकता और धर्म की उपलब्धि से नहीं की जा सकती, क्योंकि चार जातियों में से कोई भी साधु भिक्षु बन सकता है और अरहंत यानी मोक्ष की स्थिति तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपनी जाति छोड़ी है, भले ही वो सर्वश्रेष्ठ जाति थी, लेकिन भिक्षु से बड़ी जाति कोई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें हर जाति के लोग आ सकते हैं। इसके बाद वो पृथ्वी की शुरुआत, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड और सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर के जन्म और इसकी संरचना के बारे में बताते हैं, जिसमें जातियां भी शामिल हैं। अब देखो, सुत का आरंभ कहां से होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सुता यानी सुत के पहले पार्ट के अंदर क्या दिया गया है। सुत उस समय शुरू होता है जब बुद्ध सावट्ठी नामक मंदिर में रह रहे थे। तो बुद्ध कहां रहते थे, सावट्ठी नामक मंदिर, तो ये बुद्ध मठ भी इसको बोल सकते हैं आप। उस समय दो ब्राह्मण भारद्वाज और वसेठा अन्य भिक्षुओं के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे और संघ का सदस्य बनने के लिए प्रयास कर रहे थे। शाम को हमेशा की तरह बुद्ध अपने ध्यान से उठते हैं और अपने आवास के पास खुले यार्ड में टहलते हैं, ठीक है। वसेठा अपने गुरु को टहलते देखते हैं, वह अपने दोस्त भारद्वाज को बताते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें बुद्ध से मिलकर धर्म की व्याख्या सुननी चाहिए, ठीक है। धर्म क्या होता है, धर्म होता है एक वे ऑफ लाइफ, रिलीजन में आप कैसे जीते हैं, वो है धर्म। धर्म को आगे डिफाइन किया गया अच्छे से। वे दोनों महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं। बुद्ध दोनों से पूछते हैं कि क्या उन्हें संघ में शामिल होने के कारण अपनी जाति और परिवार से अपमानित होना पड़ा। वसेठा और भारद्वाज का उत्तर था कि उन्हें अपमानों की बाढ़ झेलनी पड़ी। वे कहते हैं कि अन्य ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण जाति सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ब्राह्मण उच्च सामाजिक अधिकारों से परिपूर्ण,
शुद्ध नस्ल के होते हैं और वे अन्य तुच्छ व निम्न जातियों के विपरीत भगवान ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। इसलिए अन्य ब्राह्मणों की राय थी कि वसेठा और भारद्वाज इस अच्छी जाति और स्थिति को छोड़कर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि शेव्ड हेड सिर मुंडे तपस्वियों के साथ जाकर यह दोनों स्टेटस यानी स्थिति में कम हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर मुंडे ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं। अब सिर मुंडे कौन है? सिर मुंडे अपने बौद्ध भिक्षु देखे होंगे तो वो सिर मुंडे होते हैं, मतलब उन्होंने शेव्ड उनका सिर होता है, तो शूद्रों में उनको ये गिनते हैं उस टाइम के लोग। इस टिप्पणी के लिए बुद्ध उन्हें बताते हैं कि यदि उन्होंने ऐसी बातें कही तो वास्तव में ब्राह्मण अपने अतीत के बारे में भूल गए हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि ब्राह्मण जाति की महिलाएं गर्भवती हो सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है और अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकती है, लेकिन मूर्ख ब्राह्मण सब कुछ देखते जानते हुए अभी भी कहते हैं कि वे भगवान ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं और अन्य जाति ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुई है। बुद्ध उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि इससे बड़ी और कोई मूर्खता नहीं हो सकती है। इसलिए ब्राह्मण के ये शब्द बिल्कुल असत्य है। बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण सत्य नहीं बोल रहे हैं और वे अपने इस भेदभावपूर्ण कार्यों और नीचता का भविष्य में जरूर दुष्परिणाम भुगतेंगे। ठीक है, तो अब आपने ये सोशल ऑर्डर का जो फर्स्ट स्टेप है आपको समझ आ गया होगा कि महात्मा बुद्ध सूत्र में क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ब्रह्मा के मुख पैर या ब्रह्मा के अंगों से जन्म नहीं हुआ है, पूरी सृष्टि का जन्म एक ही तरीके से हुआ है। ठीक है, बुद्ध ने तब विस्तार से बताया कि यदि किसी भी जाति में से कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित कर्म करता है, जैसे हत्या करना, चोरी करना, यौन दुराचार में शामिल हो, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, किसी को अपशब्द या बकवास करना, लालची, क्रूर और गलत अवधारणाओं का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, और जो हमेशा नकारात्मक कर्म करते रहते हैं, वे कभी भी सम्मान योग्य नहीं हो सकते हैं। वे अपने कर्मों से एक दिन मुश्किल में पड़ जाएंगे, चाहे उनकी जाति ब्राह्मण हो, खटिया हो, वैश्या हो या सुड्डा हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर उनके काम गलत है तो वो एक ना एक दिन मुश्किल में जरूर पड़ेंगे। इन गलत कार्यों को करने वाले लोग बुद्धिमान व्यक्ति के नज़रों में हमेशा नीच ही बने रहेंगे और कभी भी आदर ना पा सकेंगे, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। तार्किक रूप से यदि देखा जाए तो चारों जातियां नकारात्मक यानी अवगुण या सकारात्मक योग्यता कर्म कर सकती है। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस कथन को अस्वीकार करेंगे कि केवल ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ जाति है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, पूरी की पूरी व्यवस्था को कर्म पर आधारित बताया। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो ब्राह्मण और जो गलत काम करेगा वो नीच बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार जातियों में से यदि कोई भी सांसारिक मामलों मोह माया को छोड़कर भिक्षु बन जाते हैं तो भिक्षु जीवन के अनुशासन और संघर्ष से वे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पाप का रास्ता छोड़ दिया है, मोह माया को छोड़ दिया है, वो जन्म के बंधन को तोड़कर सत्य ज्ञान के कारण मुक्त हो सकता है और वो सत्य ज्ञान धम्म पर आधारित व्यक्ति दूसरों में सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। इसके अलावा बुद्ध यह साबित करते हैं कि धम्म कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर या सत्य ज्ञान वास्तव में जीवन की सभी चीजों में सबसे अच्छी चीज है। बुद्ध तब वसेठा को सलाह देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से तथागत द टाइटल ऑफ द बॉडी ऑफ धम्मा और गॉड में विश्वास रखता है, वह यह घोषणा कर सकता है कि वह धम्म से पैदा हुए हैं।
धम के मुख से पैदा हुए हैं, वह भगवान का बच्चा है और धम का उत्तराधिकारी है, इसलिए तथागत की उपाधि ब्रह्मा के शरीर के समान मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ये सिद्ध करते हैं, जो कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, जिन्होंने धम में विश्वास कर लिया है, धम को उन्होंने सब कुछ मान लिया है, वो बोल सकते हैं कि हाँ हम अभी ब्रह्मा के संतान हैं। ठीक है, अब दूसरी बात अगन्ना सूत्र में कही गई है वो है जीवन की शुरुआत, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये पार्ट टू के अंदर है, तो आपने अभी देखा होगा कई बार क्या होता है कि अगन्ना सूत्र के पार्ट वन में क्या है, पार्ट टू में क्या है, पार्ट थ्री में क्या है, उसको क्रम में लगाना है, तो ये भी आपने याद रखना है। सेकेंड पार्ट के अंदर जीवन की शुरुआत की बात की गई है। सूत्र के दूसरे भाग में बुद्ध इस कहानी को बताते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ। ठीक है, कैसे मनुष्य का जन्म हुआ है पृथ्वी पे वो बताते हैं। बुद्ध बताते हैं कि बहुत पहले पृथ्वी पर ना तो उजाला था, ना ही किसी प्रकार की प्रकृति। एक लंबी अवधि तक चंद्रमा और सूर्य नहीं देखे गए थे, जिस वजह से पृथ्वी पर रात और दिन नहीं थे। चारों ओर घोर अंधेरा था। धरती पर सिर्फ पानी रूपी द्रव्य ही था। उस पानी पर धीरे धीरे वक्त के साथ रासायनिक परिवर्तन हुए और पानी के ऊपर एक परत सी जम गई, ठीक उसी तरह जिस तरह उबले हुए दूध पर परत जम जाती है। पानी पर उस परत का एक रंग था, उसमें खुशबू और बहुत मीठा स्वाद था, जैसे जंगली शहद में होता है। उसी परत में कोशिका रूपी जीवों का विकास होने लगा। जीव वैसे ही जैसे कीड़ों का जन्म गंदे पानी में होता है। ठीक है, जैसे जैसे पानी कम होता गया, इन जीवों की त्वचा मजबूत व मोटी होती गई, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के तरल कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। शुरू शुरू में किसी भी प्रकार की पहचान महिला पुरुष या जीव की नहीं थी, जीव केवल जीव के रूप में जाना जाता था। फिर समय के साथ अचानक सूरज और चंद्रमा को देखा गया और पृथ्वी पर रात और दिन भी शुरू हुए। फिर जैसे जैसे रात और दिन स्पष्ट होते गए, वैसे वैसे मौसम और वर्ष भी दिखाई देने लगे। उन जीवों का शरीर अभी भी मोटे आकार का था। इस प्रकार बहुत लंबे समय के बाद कीचड़ जैसा पदार्थ उनके शरीर से समाप्त होने लगा। ठीक है, धूप के कारण पहले क्या है, कीचड़ जैसा था, फिर वो समाप्त होने लगा। फिर मशरूम की तरह के पौधे इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उन्होंने कीचड़ रूपी महासागर को जंगल में बदल दिया। प्राणियों ने उन मशरूम रूपी पदार्थ को भी खाना शुरू कर दिया और उन्हें यह भी स्वादिष्ट लगा जैसे मीठा शहद और दूध। उनका शरीर और अधिक कठोर होने लगा तथा धीरे धीरे उन्हें आकार मिलता गया। एक और बहुत लंबे समय के बाद मशरूम भी समाप्त होने लगे। उनकी जगह कसावा या शलजम जैसे पौधों ने ले ली। वे पौधे भी रात दिन उन जीवों का पालन पोषण करने लगे। जैसे जैसे मौसम और धूप से उनके शरीर में परिवर्तन होने लगे, वे एक दूसरे से भिन्न होते गए और अंतर की अवधारणा उत्पन्न हुई। स्त्री पुरुष, सुंदर और कुरूप की अवधारणाओं का जन्म हुआ। उसके बाद चावल रूपी पदार्थ की उत्पत्ति पृथ्वी पर होने लगी। इस समय तक प्राणियों का शरीर सूक्ष्म से विकसित हो गया था। नर और मादा में पहले से ही अंतर आ गया था। पुरुषों का शरीर महिलाओं के साथ विपरीत हो गया। फिर वे एक दूसरे के लिए गहराई से आकर्षित हुए थे। जुनून और इच्छा पैदा हुई और वे यौन संबंधों में लग गए थे। जिन लोगों ने यौन क्रिया में संलिप्त किसी जोड़े को देखा, उन्हें डांटा और आमतौर पर उस जोड़े को एक निश्चित अवधि के लिए गांव में प्रवेश करने से मना किया गया। इसके कारण भोगी जोड़ों ने बंद आवासों का निर्माण किया जहां वे यौन गतिविधियों में लिप्त रहते थे। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। पूरा का पूरा इन्होंने जो ये डायलॉग दिया है पृथ्वी के ओरिजिन का, इसमें ये
कहना चाहते हैं कि पृथ्वी का जन्म विकास के कारण हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, ठीक है। पहले सूरज नहीं था, चांद, तारे, मौसम कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे उसमें विकास हुआ। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हैं और राज्य की उत्पत्ति का वैज्ञानिक या विकासवादी सिद्धांत इवोल्यूशनरी थ्योरी का प्रतिपादन करते हैं। तो ये मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है। हो सकता है यही कहानी पूछी जाए या फिर उस कहानी से कंक्लूजन निकाल के आपसे पूछा जाए। तीसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट सूत का, वो है द बर्थ ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट, कि जाति की उत्पत्ति कैसे होती है और सामाजिक जो ऑर्डर है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तीसरे भाग में बुद्ध ने जाति, कास्ट की उत्पत्ति, उनके शीर्षक और समाज व्यवस्था में उनके कार्यों के बारे में बताया जो बुद्ध के समय में भी प्रभावी थी। महात्मा बुद्ध ने प्रचलित धारणा का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी तरह संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति का जन्म मुख, किसी का पेट, किसी का पैरों और किसी का भुजाओं से हो। सभी का जन्म एक ही तरह से हुआ है। उन्होंने जाति की उत्पत्ति का आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी ऑफ कास्ट, कास्ट की स्पेलिंग आपने ठीक कर लेना है, CASTE, ठीक है, नीड थ्योरी ऑफ कास्ट का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। नीड मीन्स जाति की जरूरत पड़ी, ठीक है, जैसे क्षत्रियों की जरूरत युद्ध के लिए पड़ती है, ब्राह्मणों की जरूरत टीचिंग के लिए पड़ती है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्राह्मण ही टीचिंग करेंगे, टीचिंग कोई भी कर सकता है जो बुद्धिमान है, ठीक है। तो सबसे पहले खटिया या क्षत्रिय जाति की उन्होंने बात की। खटिया, जिसको आज हम क्षत्रिय बोलते हैं, बुद्ध ने उन्हें खटिया बोला और ये शासक वर्ग थे। खटिया एक पाली शब्द है जिसका अर्थ आज के क्षत्रिय से लिया जाता है। चावल के पौधे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, अलग अलग भूखंडों में बढ़ने लगे और लोगों ने जमीनों को विभाजित कर दिया और एक दूसरे के चावल के गुच्छे काटना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसा लालच थी लोगों में, लोग दूसरों के खेतों में जाके रात को वो काट देते थे। वे अपने स्वयं के क्षेत्र में चावल उगाने में व्यस्त हो गए। जैसे जैसे बुराई और लालच पैदा हुआ, ऐसे लोग भी थे जो दूसरों की फसलों को चुराना शुरू कर देते थे। सबसे पहले कृषक लोगों ने केवल अपराधी, चोरों को चेतावनी दी और अपराधियों ने वादा किया कि वह उसे फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो वो चोरी कर रहे थे, ऐसी चोरी वो दोबारा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब इसे चोरों द्वारा कई बार दोहराया गया, यानी बार 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 वो गेहूं काट दे गए लोगों के, तो लोगों ने उसे पत्थर और लाठी से मारना शुरू कर दिया। यहीं से सजा के रूपों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौटिल्य से पूछा गया था, दंड व्यवस्था से रिलेटेड, ठीक है। दंड नीति भी बोला जाता है, राजनीति दंड नीति। तो ये दंड नीति बुद्ध की दंड नीति है कि दंड नीति की शुरुआत कैसे होती है। फिर लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि उन्हें अपने समाज में होने वाले हर अपराध और दुरुपयोग पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन समाज में ज़्यादातर लोग पहले से ही अपनी जागीर को जोड़ने और बढ़ाने में लगे थे, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की बात सोची जो सही और गलत में भेद करके उसे सुधारने के लिए अपराधियों को चेतावनी दे। जो व्यक्ति चोरों को सजा देगा और बदले में लोग उन्हें अपने चावल का एक हिस्सा दे देंगे। अब देखो यहाँ तक आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे समझौता सिद्धांत है। लोगों ने क्या किया, समझौता किया, अपना एक उन्होंने शासक चुना जो चोरों को दंड देगा। सेम जैसा कौटिल्य ने बात की थी वही है, ये कर भी देने की, टैक्स भी देने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वे निष्पक्ष, अभय और अधिक, सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए और उसे चावल के एक हिस्से के रूप में इनाम देकर न्याय करने और कानून को पारित करने के लिए नियुक्त किया गया। अब देखो, न्याय करने के लिए और कानून को पारित करने के लिए, यानी एक तो आपकी न्यायपालिका और दूसरी आपकी कार्यपालिका के रूप में। अब कानून कौन बनाएगा,
विधायिका कौन है, विधायिका लोग भी हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका राजा के पास होगी, विधायिका में भी राज्य लोग खुद कानून बनाएंगे। ठीक है, नियुक्त व्यक्ति इस कार्य के लिए सहमत हुआ और लोगों ने उसे महासम्मत का शीर्षक या उपाधि दी। अब देखो, महासम्मत, महासम्मत मीन्स आपका राजा, राजा को महासम्मत बोलते थे, या जो ये कार्य देखता था उसे महासम्मत बोलते थे, जिसका अर्थ है लोगों की पसंद। फिर उन्होंने उसे दूसरा शीर्षक भी दिया, खटिया, जिसका अर्थ है चावल की खेती के भगवान। खटिया का मतलब चावल की खेती के भगवान। और अंत में तीसरा शीर्षक राजा दिया, जिसका अर्थ है लोगों को धम या सत्य के रास्ते पर ले जाने वाला। दूसरा, अब ये थी खटिया जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। खटिया जाति की उत्पत्ति आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि चोरी हो रही थी, वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं थी, न्याय करने की कोई संस्था नहीं थी, इसलिए खटिया जाति की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण जाति के बारे में ये क्या बोलते हैं। फिर सभी लोगों के बीच में से कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया, ठीक है, कुछ सोचना शुरू करते हैं कि बुरे काम को समाज, बुरे काम समाज में बढ़ गए हैं, जैसे चोरी, झूठ, हत्याएं, यौन शोषण, दंड और निर्वासन। अब हम लोगों को बुराई और अयोग्य चीजों को समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए, इसी से ब्राह्मण शब्द आया। इसका अर्थ है वे लोग जो बुराई और अपवित्र चीजों का त्याग कर रख देते हैं, उन्होंने मोह माया छोड़ दी और जंगलों में चले गए और वहां झोपड़ियों की स्थापना की और वहां ध्यान लगाया, मेडिटेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया। वे सुबह और शाम केवल भोजन के लिए शहर आते थे और भोजन इकट्ठा करने के बाद वे अपनी झोपड़ियों और ध्यान में लौट जाते थे। लोगों ने ध्यान करने वाले लोगों को जयंती या झायका कहना शुरू कर दिया। देखो, जो मेडिटेशन करते थे ब्राह्मण, उन्हें लोगों ने क्या कहा, या तो जयंती या झायका। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है। इसके विपरीत कुछ अन्य लोग भी थे जो जंगल में झोपड़ियों में ध्यान या निवास नहीं करते थे, इसलिए वे शहरों में बस गए। उन्होंने ध्यान नहीं किया लेकिन पुस्तकों का संकलन किया। अब ये भी ब्राह्मण, ब्राह्मण अब डायरेक्ट ब्राह्मण नहीं है लेकिन विद्वान है, क्योंकि इन्होंने क्या है, पुस्तकों का क्या है, संकलन करना शुरू कर दिया, बुक लिखनी शुरू कर दी। लोगों ने उन्हें अजायका, अजायका कहा, जिसका अर्थ है वे लोग जो मेडिटेशन या ध्यान नहीं करते लेकिन वो इस काम में लगे हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाने के काम में लगे हैं, ब्राह्मण के काम में लगे। तो ब्राह्मण यहाँ पे दो प्रकार के हो गए, एक जायका और दूसरा अजायका, ठीक है। तीसरी जाति है वैश्या और चौथी जाति है सुड्डा। वैसा मीन्स वैश्य, व्यापारी, सुड्डा मीन्स शूद्र या शिकारी, ठीक है। जो लोग परिवारों और कस्बों में बसे थे, उनमें से कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के व्यापार और व्यवसाय को अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। जो कस्बों में यानी शहरों में बसे थे, जो मेडिटेशन या फिर बुक्स का संकलन नहीं करते थे, ठीक है, उन्होंने अलग अलग व्यवसाय शुरू कर दिए। इनमें से शेष लोगों ने शिकार के काम को प्राथमिकता दी। सुड्डा जाति या सुड्डा शब्द, सॉरी, सुड्डा यानी शूद्र जाति सुड्डा शब्द से आई है, जिसका अर्थ है वे लोग जो शिकार के बल पर जीवित हो। अंत में बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण, खटिया, वैसा और सुड्डा से सभी जातियां लोगों के कर्म से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा के शरीर से नहीं। इस प्रकार बुद्ध के वचनों को सुनकर वशिष्ठ और भारद्वाज, वशिष्ठ मीन्स वसेठा और भारद्वाज ने आनंदित होकर प्रवचन समाप्त किया, ठीक है। अब ये वशिष्ठ भी लिखा है कई जगह, वसेठा भी लिखा है, तो अगर पेपर में आया तो दोनों आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जाति की उत्पत्ति समझ आ गया होगा, ब्राह्मण की खटिया की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि समाज में अव्यवस्था थी। ब्राह्मण की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि वो समाज से बुराई को खत्म करना चाहते थे। ब्राह्मण में दो प्रकार की जातियाँ थी,
अज्यायका और जायका, उसके बाद वैश्य की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यापार को लेके वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते थे, और शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई कि वो कोई भी काम नहीं करते थे, वो जंगलों में जाके बस शिकार करते थे, और शिकारी को क्या बोला गया, शूद्र। तो ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब सुत का मूल्यांकन देखते हैं। जहां एक और बुद्ध द्वारा बताई गई दुनिया की शुरुआत की कहानी को एक मिथक माना जाता है, वहीं दूसरी और इसके पीछे दिए गए वैज्ञानिक तर्क को भी कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग किए बिना नकार नहीं सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बुद्ध की गहन अंतर्दृष्टि विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित है, जो आधुनिक बैंग बैंग, ये बिग बैंग थ्योरी है, बैंग बैंग नहीं होनी चाहिए, बिग बैंग सिद्धांत से मिलती जुलती है, ठीक है। उनका दूसरा योगदान सामाजिक संरचना की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर है, जो वास्तव में अपने युग का क्रांतिकारी विचार था। बुद्ध ने मानव जाति की उत्पत्ति की समानता को बताया कि वे सभी की उत्पत्ति एक ही स्रोत है, चाहे उनमें लिंग रंग शारीरिक बनावट में जैसा भी अंतर हो, ठीक है। बुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया कि सामाजिक संरचना स्वैच्छिक मानव निर्मित रूप से बनाई गई है, ईश्वरीय आदेश के आधार पर जैसा नहीं, जैसा कि कुछ देवीय सिद्धांतों में कहा गया है, ठीक है। तो सोशल ऑर्डर क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, ये किसी देवता ने नहीं बनाई है, तो इस बात को भी आपने याद रखना है। राजशाही भी स्वेच्छा लोगों की अपनी इच्छा से बनती है, और लोग अपने धर्म परायण और योग्य व्यक्ति का चुनाव राजा के रूप में करते हैं, ये बिल्कुल टीएच ग्रीन से मिलता जुलता है, जिसमें लोकतंत्र और गणतंत्र की अवधारणा स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें राजा सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने पुरस्कार के रूप में चावल का हिस्सा स्वीकार करता है, जिससे टैक्स की अवधारणा में विकास होता है। रिचर्ड गॉम्ब्रिज के अनुसार सुत इस बात का पुख्ता सबूत देता है कि यह पूरी तरह से जाति व्यवस्था के देवीय स्वरूप के बारे में ब्राह्मणवादी दावों के एक व्यंग्य के रूप में स्थापित किया गया था, जो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा अगन्ना सुत्ता का जो कॉन्सेप्ट लगा है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी फैक्ट हैं, इसमें कवर करने की कोशिश की गई। आशा करता हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।